हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका सरिता झा के किचन में। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ मठरी, जो कि आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए चाहिए पहले हमें मैदा। ये मैदा को मैं अच्छी तरह से छान लेती हूँ, क्योंकि कंकर वंकर होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। पहले मैंने ये 1 किलो मैदा लिया है। अब इसको मैंने छान लिया। अब इसमें ये कस्तूरी मेथी ऐड कर दूंगी। ये काली मिर्च को मैंने पीस लिया था, ऐसे ही कूट लिया था। कस्तूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन, हाथ पे ऐसे करके डाल देंगे अजवाइन। आप भी बना के देखिए घर पे, बहुत अच्छा होता है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें मैं 1.5 कप रिफाइंड या घी, अगर घी है तो घी डाल देंगे, या मेरे पास अभी रिफाइंड है तो मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी 1.5 कप। इस पे 2 कप भी डाल सकते हैं आप, 2 कप डालोगे तो ज़्यादा खस्ता होगा। अब इसको मिला लूँगी अच्छी तरह, पहले ऑयल को, रिफाइंड ऑयल को मिला के, और इसको बिल्कुल टाइट गूँथना है, हल्के हल्के पानी डाल के बिल्कुल टाइट। आटा को, आटा का डो हमें तैयार करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइट, बिल्कुल पानी ज़्यादा नहीं डालना, जैसे हम जरा जरा सा लेंगे हाथ पे और उससे इसको गूँथेंगे। अचानक से नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, अचानक से मत डालना। ये देखिए बिल्कुल टाइट डो हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से तैयार करके आटा को, अब इसकी हम छोटे छोटे लोइए मठरी बनाएंगे। ये अक्सर शादी वगैरह होती है तब मठरी और एक शक्कर पारे बनता है, तो ये वही वाली मठरी है, वैसे ही बनता है। मैंने भी देखा था, अपने भाई की शादी में गई थी तो हलवाई को देखी थी बनाते हुए, तो उनके तरह तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने कोशिश की। अब कढ़ाई पे चढ़ाएंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल के, और इसको हमें धीमी आंच पे सेकना है, तेज फ्लेम पे नहीं, धीमी पे, क्योंकि तेज करके डालेंगे ना तो फिर वो अचानक से ऊपर से तो लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ये मोटे हैं तो इसलिए आंच धीमी कर दीजिएगा। धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे, और ये बना के डब्बे में पैक करके रख दो, तो बच्चे बड़े जिनको भी भूख लगे, कभी नाश्ता नहीं है तो खा सकते हैं। और अगर मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये ऐसा हमारा हो गया सुनहरा। तो अब इसको निकाल लेंगे, और नमक ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि मैंने भी इससे पहले जब बनाया था एक बार तो नमक तेज हो गया था, तो आप भी नमक इसमें थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा है। तो आप भी बनाइए और खाइए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा तैयार है मठरी, आप भी बनाइए। थैंक यू।